वार्ड नंबर 13 रिपोर्ट करें। ओके, टिकट नंबर 2 रिपोर्ट करें। सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम, तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, न कुछ तेरा न कुछ मेरा, न कुछ तेरा न कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, फिर काहे को सारी उमरिया। फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दुनिया में बो। अरे दिनकर, काफी टाइम हो गया भाई, नींद नहीं आ रही है। हाँ चाचा, आज की रात भी ठीक वैसी लग रही है जब मैं 5 साल पहले जेल में आया था। उस रात ही पूरी रात में सो नहीं पाया था, और अब 5 साल बाद अब मेरी रिहाई हो रही है तब भी मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसा ही होता है भैया, 5 साल पहले जेल में आने का गम था, कल रिहाई होने की खुशी है, ऐसे समय में किसको नींद आती है। मुझे डर लग रहा है चाचा, न जाने मेरे यहां से जाने के बाद मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरा समाज मुझे स्वीकार करेगा नहीं करेगा, वो लोग मुझे इज्जत देंगे या नहीं देंगे, इसी बात का डर लगा हुआ है चाचा। ठीक है अपना कोई काम धंधा कर, बिल्कुल ठीक है। दोबारा आना नहीं।
हाँ भाई रियाई सालो बर्तन चलो उधर चलो अगेन बर्तन इधर रख दो कंबल कितने हैं दो नाम क्या है दिनकर दिनकर किस केस में हो ड्रग चलो उधर चलो अगेन कैट साहब हाँ बंदी की रिहाई गेट पास है नाम मिला लो ठीक है क्या नाम है आपका दिनकर पिताजी का नाम प्रकाश चंद ठीक आ जाओ चलो आ जाओ उधर तलाशी करवा लो और कितने साल हुए घर बाहर पांच साल हो गए क्या है सर ये रिलीविंग ऑर्डर सर फायरिंग के ये सर कितने लोग हैं सर 10 लोगों को भेज रहे हैं जब तक कमी रहेगी जी सर तो रेस्ट पंप कर देना ठीक ठीक सर जैन जी सर एक बंदी की रिलीज है क्या दिनकर जी है सर सर बुलाओ दिनकर अंदर आना May I come in, sir? Yes. Namaste, sir. Namaste. अरे आज तो मेरी आई है हाँ सर कितने साल हो गए जेल में सर पांच साल इन पांच सालों में क्या क्या किया क्या क्या सीखा जेल के अंदर सर इन पांच सालों में मैं फैक्ट्री में काम करता था अच्छा फिर डीजी सर एडीजी मैम और आपके सहयोग से सर मैंने यहाँ बीकॉम भी किया अब क्या कर रहे हो सर पीजी डिप्लोमा है वो भी हो जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया और रिहाई के बाद क्या आगे का प्लान है सर बाहर जाके अच्छी नौकरी मिल जाए नौकरी करना चाहूँगा और अपने माँ बाप की सेवा करूँगा सर नौकरी तो तुम अच्छी मिल ही जाएगी 70% से ऊपर तो आपके बीकॉम में है पीजी डिप्लोमा कर रहे हो यहाँ भी बहुत अच्छा कंडक्ट रहा है आपका थैंक यू सर ये आपके डिग्री और सर्टिफिकेट हैं जो आपने जेल में अचीव किए ना थैंक यू सर और मैं अपनी ओर से एक स्पेशल सर्टिफिकेट भी देना चाहता हूँ थैंक यू सर आपका आचरण आपका काम बहुत अच्छा रहा ये आपके जॉब के लिए ना फायदेमंद रहेगा थैंक यू सर पर ये है कि वापस अपराध जगत से मत जुड़ जाना आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि ना जेल में आने से जीवन नष्ट हो जाता है बिल्कुल सर आपने यहाँ से जो सीखा है उसके आधार पर अच्छा काम करना और शांति से अपना काम रहना है ना थैंक यू सर इसमें सुधार तो बहुत आया जी सर एनडीपीएस के मुलजिमों को देखा नहीं जी इसने फैक्ट्री में बढ़िया काम किया बीकॉम भी 70% से ऊपर किया सर सर अब काम में बहुत अच्छा है जी सर और फाइनली अपना एम भी यही है जेल का जी सर कि जो भी कोई प्रिजनर आए उसको रिफॉर्म करके सर, समाज में पुनर्स्थापित Thank you.
बाबू जी और लीजिए। बाबू जी मैं जब जेल में था ना आपकी बहुत याद आती थी, हर पल आपकी याद सताती बाबू जी। और अब चिंता करने कोई बात नहीं, मैं कोई अच्छी सी नौकरी करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। मुझे भी तेरे से यही उम्मीद थी और मेरी इच्छा है कि तू अच्छी सी नौकरी लग जाए और तू खुशी रहे। भगवान तेरी मदद करे। दिनकर प्रकाश चंद। यस सर। ओके दिनकर, कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है दिनकर आपने? सर अकाउंटेंट के लिए। अकाउंटेंट, ओके। हमारी कंपनी के बारे में क्या क्या जानते हो आप? सर बड़ा नाम है आपकी कंपनी का सर। बड़ा स्टाफ है। ओके। और मेरा एक दोस्त भी था आपकी कंपनी में काम करता है सर। ओके। इसलिए मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। दिनकर एज एन अकाउंटेंट कोई एक्सपीरियंस है आपके पास पे? नहीं सर, इस फर्स्ट टाइम सर। ओके, फ्रेशर हैं आप? फ्रेशर। अच्छा एज कितनी है दिनकर आपकी? सर 32 साल। 32? लेकिन आप तो काफी बड़े लगते हैं 32 से। नहीं सर, रियल मेरी उम्र 32 साल की है। ओके। ओके दिनकर, योर रिज्यूम इज क्वाइट इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। 10th और 12th में आपके एवरेज मार्क्स हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके अच्छे मार्क्स हैं। थैंक यू सर। अच्छा दिनकर, 12th और ग्रेजुएशन के बीच में बहुत ज्यादा टाइम गैप है, ऐसा क्यों? सर उसके पीछे एक रीजन है सर। क्या रीजन है बताओ? मैं सर 12th पास करने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाया था। ओके, क्यों? सर मैं जब 12th में था उस समय मेरे को दोस्त थे, उनका रहना खाना पीना मुझे अच्छा लगता था और मैं भी उनके साथ रहने लग गया। रहते रहते सर मैं इतने अंदर जा चुका था मुझे कुछ पता नहीं। वो सर ड्रग लेते थे। ड्रग्स? उनके साथ रहते मैं भी ड्रग लेने लग गया था। अच्छा ठीक है, फिर बाद में बताओ। और एक दिन हम कार में सफर कर रहे थे, बीच रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया और हमारी गाड़ी की तलाशी हो गई। गाड़ी में उन्हें ड्रग मिल गई और उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। वो लोग हमें थाने ले गए और मुझे जेल हो गई सर। जेल? यस सर, जेल में जा चुका है। कितने साल की जेल हुई? सर 5 साल। 5 साल जेल रह के आए हैं? 5 साल। आपकी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन इस कहानी के बेस पे हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। ज्यादा अच्छा होगा आप ये कहानी किसी डायरेक्टर को सुनाओ, हो सकता है वो इस पे कोई फिल्म बना ले। सर एक बार मौका तो देखे। देखिए सर मैं सुधर चुका हूँ सर, मैं बड़े ईमानदारी से काम करूंगा सर। दिनकर देख लिया है, सीवी अच्छा है, आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स भी अच्छे हैं, पर एज पर द एचआर पॉलिसी हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। प्लीज सर एक बार मौका तो दीजिए सर, बड़ी ईमानदारी से काम करूंगा सर। प्लीज सर। यस सर, देखिए सर मैं सब जेल में था, वहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया सर, एक बार प्लीज देखिए। वो सारी चीजें मैं देख चुका हूँ सर, प्लीज एक बार देखिए सर। यू मे लीव नाउ। प्लीज सर एक बार मौका दीजिए सर। यू मे लीव नाउ। तो मैं बड़ी ईमानदारी से काम करूंगा सर, एक बार मौका तो देखिए। देखिए सर प्लीज सर। दिनकर यू मे लीव प्लीज। प्लीज प्लीज सर एक बार देख लीजिए सर, प्लीज लीव प्लीज। Yeah.
दीदी आप कितना अच्छा मेहंदी लगाते हो ना। आपकी लगाई हुई मेहंदी का जो रंग और डिजाइन है वो सबसे अनोखा है। थैंक यू। वो आपने पायल की शादी में लगाई थी ना, और उसकी मेहंदी पे जो आपने उसके हस्बैंड का नाम लिखा था, ओह माय गॉड, सीरियसली दीदी वो बहुत यूनिक था वो डिजाइन। आप टेंशन मत कीजिए, उससे भी अच्छा डालूंगी आपकी मेहंदी में। थैंक यू दीदी। दीदी वैसे आपने कहाँ से सीखा ये मेहंदी लगाना? हाँ, नयामत। नयामत है क्या? हाँ। आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। वहां बैठ जाओ बोर्ड के नीचे। ये लो ज्वेलर साहब को दिखाया। जैन ज्वेलर साहब, गेट में दे दो। थैंक यू। आ जाओ। केशवंती जी तलाशी लो। महिला जी से हाँ बोल रखी थी। नयामत है सीमा। जल्दी आना।
चलो आ जाओ बाहर प्रार्थना के लिए। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हम। ए मालिक तेरे बंदे हम, क्या कर रही है यहाँ, ऐसे कब तक बैठी रहेगी यहाँ पे? एक दिन थोड़ी ना है, 14 साल काट लिए यहाँ। मेरे लिए तो एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। काटना तो पड़ेगा ना, इतना आसान है क्या? जो बाहर किया था वो आसान था क्या?
चलो बहुत बढ़िया। तुमसे रोज ही करते हो भजन कीर्तन या आज ही कर रहे हैं? नहीं सर, दोनों टाइम रोज। दोनों टाइम करते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप अंडर ट्रायल हो जी? किसमें मामला क्या हुआ तुम्हारा? झगड़ा हुआ था हमारा। कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने जमानत हो जाएगी? हाँ जी, जी। लगा रखिए। चलो ठीक है, सब अच्छा होगा। आप बताओ, बैठे रहो बैठे रहो, खड़े मत हो। क्या नाम है? सर सीमा। सीमा, ये बच्चे का क्या नाम रखा? कान्हा। कान्हा, तो कान्हा तो बहुत अच्छा नाम रखा आपने। और आपको ये बात पता है कि श्री कृष्ण का जन्म भी कारागृह में ही हुआ था? जी, जेल में ही हुआ था। तो उन्होंने जेल में पैदा होके भी कितने बड़े बड़े काम कर दिए। फिर कान्हा भी अच्छा करेगा कि इसको खूब पढ़ाना आप। हाँ, ये बात आज मेरी नोट कर लो कि हमें इसको खूब पढ़ाना है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा। और यहाँ किसी तरह की समस्या नहीं सर? कुछ काम वाम सीख रहे हो यहाँ पे? कोशिश कर रही हूँ सर। हाँ, कोशिश करो और काम सीखो। शाबाश शाबाश। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और राजस्थान की सबसे पुरानी महिला जेल में यहाँ पर उपस्थित बंदनियों, निश्चित रूप से आज मुझे आप सभी के बीच में आकर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जो है जेल की विचारधारा बदल गई है। पहले जेल क्या थी? एक कैद खाना, जहाँ पे आपको एक दंड देने के रूप में यहाँ पर रखा जाता था। अब चेंज हो गया है, अब ये दंड का साधन नहीं रहा है, अब ये है एक सुधार का साधन कि किस तरह से सुधार किया जाए। हमसे कोई गलती हुई, हमसे कोई गलत कर्म हुआ, उस कर्म का हम पश्चाताप करें और उस पश्चाताप के बाद हम अच्छा जीवन जिए। और इसी चीज़ को और सुविधाजनक बनाने के लिए जेल में कई तरह के कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये ठीक है कि आप यहाँ पर एक चार दीवारी में बंद हैं, लेकिन अब ये मानिए कोई आपके विकास की यहाँ पर सीमा नहीं है। अभी मैं एक बंदनी से मिला, उनका नाम ही सीमा है। क्यों? आपका नाम ही सीमा है, तो इन सीमाओं में आपको नहीं बंध के रहना है, इन सीमाओं को पार करना है, इन सीमाओं को तोड़ना है और अपना कौशल विकास करना है। ये ठीक है कि आप यहाँ पर एक चार दीवारी में बंद हैं, लेकिन आपके विकास की यहाँ पर सीमा नहीं है। जब आप इन सीमाओं से बाहर जाएं, तो आप एक इस तरह का काम करें कि आपकी उपयोगिता आपके परिवार के लिए भी रहे, समाज के लिए भी रहे और आप उसमें पुनर्स्थापित हो जाए पूरी तरह से, जैसे पहले थे उससे भी बेहतर तरीके से। तो आपका परिवार, आपका समाज आपको एक गरिमापूर्ण रूप से देखे। कान्हा, तो कान्हा तो बहुत अच्छा नाम रखा आपने, इसको खूब पढ़ाना। ये बात आज मेरी नोट कर लो कि हमें इसको खूब पढ़ाना है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा। अपन लाइन डाल के इसको भरेंगे और फिर उसमें अलग अलग डिजाइन से शेप देके उनको पूरा करते हैं। क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैम क्या आप मेहंदी सीखना है? हाँ जी मैम, आ जाइए।
मैम नमस्ते। नमस्ते सीमा, आपने बुलाया मैम? हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ मैम। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ओपन कैंप में। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। क्या सोचा है तुमने आगे करने के लिए? मैम खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। तुमने बहुत भी डिसिप्लिन में रही हो और बहुत वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी तुमने अंदर करी हैं, तो सब तुम्हारे काम आएगा आगे जाके। और ओपन कैंप के बारे में कुछ जानती हो बेटा? नहीं मैम। उसमें सुबह मॉर्निंग में रोल कॉल होता है और शाम को रोल कॉल होता है, तो उसमें तुम्हारा कंपलसरी रहना और एबसेंट मत होना, किसी भी तरह की कोई इनडिसिप्लिन की चीज़ नहीं आनी चाहिए सामने। दोपहर का जो भी टाइम होगा उसमें तुम अपना काम करो अच्छे से। किसी भी तरह की तुम्हें कोई दिक्कत हो या कोई मदद की जरूरत हो तो बिल्कुल हमें बताना, बहुत बहुत खुश हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। मंजू, मनीता, सुमन, सीमा, सीमा, किरण, हो गया। तन्नू, आपकी मम्मा आ रही है, ठीक है? अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, देखो आ गई। सीमा, गिनती के समय टाइम से आया करो। जी मैम, आगे आगे से ध्यान रखना। जाओ आपकी मम्मा के पास। मम्मी, बाबू सो गए क्या? हाँ बेटा सो गए। मम्मी वो आज सेठ जी के यहाँ गई थी ना मेहंदी लगाने के लिए, उनको मेरी लगाई हुई मेहंदी बहुत पसंद आई और उन्होंने 2000 रुपए एक्स्ट्रा दिया मुझे। अच्छा, मेरी बेटी तो पहले से ही बहुत अच्छी लगाती है। और मम्मी उन्होंने कहा है कि उनके घर में जो भी प्रोग्राम होगा ना वो मेहंदी के लिए मुझे ही बुलाएंगी। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। सर बोलिए। मिस्टर मित्तल का चेक आज आ गया है। वेरी गुड। और मिस्टर अशोक का क्लियरेंस अभी बाकी है। ऐसा है, मित्तल का तो समय पे आ जाता है चेक, अशोक का लेट लती पाता है, तो फॉलो करो और कल तक चेक मंगवा के उसको क्लियरेंस में लगवा दो। ठीक है? ठीक है सर। ओके। सर हो गया। ना बताओ क्या रहा? सर इस बार आपका एक्सपोर्ट नंबर काफी ज्यादा है सर, और आपकी कंपनी काफी प्रॉफिट में है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? सर लगभग 2,59,00,000 रुपए सर। ये बताओ इससे प्रॉफिट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? सर मैंने एक बात नोट की है सर, आपके यहाँ स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा है सर, और अगर उसको रिसाइकल करके अगर काम में लिया जाए तो आपकी कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है सर। वेरी गुड। ये बताओ आप कहाँ रहते हो? सर मानसरोवर। तो मानसरोवर तो नज़दीक है, आने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? हाँ सर। आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? सर आप चाहें जितनी। फिर भी? सर 25,000 तक मिल जाए तो चलेगा सर। आपका काम बहुत अच्छा लगा, आपको शुरुआत में हम 30,000 रुपये सैलरी देंगे। थैंक यू सर। और अगर आप मन लगा के मेहनत करोगे तो हर साल आपकी सैलरी और बढ़ा दी जाएगी। थैंक यू सर। आप कल से ज्वाइन कर लें, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। मिस्टर दिनकर। हाँ मैम। आप कल अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइएगा। क्या डॉक्यूमेंट्स लाने मैम? 10th क्लास का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, दोनों का सर्टिफिकेट, एक आधार कार्ड का कॉपी और ग्रेजुएशन का डिग्री। ठीक है मैम। सबके ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों लेकर आने। ठीक है मैम। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके। सर बोलिए। सर एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ। वो सर मैं 5 साल जेल में रह के आया हूँ। जेल में? हाँ सर। किस मामले में? सर ड्रग के मामले में।
काना पूरा दूध खत्म करो। लो मम्मी कंघा देना, काना के बाल बना दूं, इधर करो। बेटा काना के जूता टूट गया है, अंगूठा निकल गया है, नया जूता ले आना है। हाँ मम्मी, काना के लिए नए जूते लाऊंगी, अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगी बाबू को, है ना। अच्छे स्कूल में जाएगा ना, अच्छे अच्छे फ्रेंड बनाएगा, काना बहुत पढ़ाई करेगा, अपनी मम्मा का नाम रोशन करेगा। करोगे ना काना नाम रोशन? काना के बाल बन गए, कितना अच्छा लग रहा है। लो मम्मी अब अपना बैग लगा लो। शाबाश, काना तैयार हो गया। क्या हुआ, उदास क्यों हो? क्या हुआ काना, नए जूते ला रहे हैं ना, मुस्कुराओ, अच्छे से मुस्कुराओ। शाबाश, चलो स्कूल में चले। मम्मी मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी। दिनकर। हाँ बाबूजी। क्या कर रहे हो? बाबूजी नाने जा रहा था। यहाँ आओ। हाँ बाबूजी। आज का क्या प्रोग्राम है भाई? बाबूजी एक कंपनी में बात कर रखी है, वहाँ इंटरव्यू देने जाऊंगा। अरे भाई इंटरव्यू तो पहले भी 4-5 दिया आया, तू 5 साल जेल में रह के आया है और जेल की बात बताता है, तेरे को कोई नहीं रखेगा। तो बाबू जी क्या झूठ बोलूं, आप ही तो कहते सुधर गया और अब झूठ बोल के नौकरी लगना है, तो कहाँ का सुधर गया? अरे समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है, समय के साथ बदलो और पहले ठिया पकड़ो। बाबू जी मैं तेरे जानता हूँ और समझता भी हूँ, अगर मैं सच्चा हूँ और ईमानदार हूँ तो एक ना एक दिन तो कोई मुझे नौकरी देगा। ठीक है भैया तेरी मर्जी, फिर देख ले, ऐसा करके देख ले, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, दीना ना तेरा भला करे। बाबू जी मैं नहीं आता हूँ। चलो ठीक है। कर्पूरिकोरं करुणावतारं संसारसारं भुजवेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदि अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु। लो प्रसाद लो। हे प्रभु। हाँ भैया। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए कैसे आना हुआ? सर काम के लिए आया हूँ। काम के लिए आए हो? हाँ सर। कहीं काम किया है? एक्सपीरियंस है? हाँ सर। क्या किया है? सर मैंने 5 साल काम किया है। कहाँ काम किया है 5 साल? सर मैं जेल सर्विस में काम करता था। सर जेल सर्विस में थे? जेल में थे आप? हाँ सर, मैंने 5 साल वहाँ काम किया सर। वहाँ सर बहुत सारे काम होते हैं सर, वहाँ फर्नीचर का भी काम होता है, दरिया बनती है, कालीन का भी काम होता है, कैंटीन है। वहाँ रहकर सर पहले मैं वर्कर था, फिर धीरे करते 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 मैं वहाँ सुपरवाइजर बन गया सर। मुझे 5 साल का अनुभव है करके, और मैंने सुना है कि सुपरवाइजर की जगह खाली है। हमारे यहाँ सुपरवाइजर की जगह खाली है, पर हम आपको काम नहीं दे सकते। यहाँ पे शरीफ आदमी काम करते हैं, आप जेल में रह के आए हो इसलिए आपको काम नहीं दे सकते। सर एक बार मौका तो देके दीजिए सर। भैया ये देखिए सर, मैं जब जेल में था वहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने मेरे को करेक्टर सर्टिफिकेट दिया है, जो मैं 5 साल मैंने काम किया वहाँ पे। मुझे ये सब नहीं देखना, जेल में जो रह चुके हैं उनके लिए मेरे पास कोई काम नहीं। सर एक बार मौका तो देके दीजिए सर। अरे भैया आप तो पीछे ही पड़ गए, मेरे को नहीं देखना। मैं तो फ्री में आपको एक राय देता हूँ, आप कहीं दूसरी जगह जॉब ढूंढने जाओ तो वहाँ ये मत बताना कि आप 5 साल जेल में रह चुके हो, या आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। और मैं आपको बताऊं, आप कोई छोटा मोटा खुद का काम डाल लो, उसी से अपना जीवन यापन करो।
सर मैं बड़े ईमानदारी से काम करूंगा सर, एक बार मौका तो दो सर। अरे भैया मैं आपको काम नहीं दे सकता। प्लीज सर आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। ठीक है आप तो जाइए, बेस्ट ऑफ लक। हेलो। हेलो सीमा जी बोल रही हैं? हाँ जी मैं सीमा बोल रही हूँ। मैं बैंक से बैंक मैनेजर रमेश उपाध्याय बोल रहा हूँ। सर नमस्ते, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। आपने जो लोन के लिए अप्लाई किया था ना? हाँ जी सर। वो आपका लोन सैंक्शन हो गया है क्या सर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जेल प्रशासन ने आपके बारे में काफी अच्छा फीडबैक दिया जिससे आपको बहुत अच्छी मदद मिली है। ठीक है सर, कल 10 बजे बैंक आके बैंक की फॉर्मेलिटीज जो है ना लोन की वो आपको पूरी करनी है। हाँ सर मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगी। इस लोन का जो है ना समय समय पर भुगतान करते रहोगे तो आपको काफी अच्छी मदद मिलेगी आगे। ठीक है सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, मैं टाइम टू टाइम पेमेंट करती रहूंगी सर और आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी सर। थैंक यू। ओके सर। किसका फोन आया बेटा? मम्मी वो बैंक मैनेजर का फोन था। क्या कह रहा है? मम्मी वो थोड़े दिन पहले जो मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था ना वो लोन पास हो गया। मम्मी अब मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी बहुत दुख से गुजरी है, भगवान उसको सब खुशी देना। लाख लाख शुक्रिया भगवान, अच्छे से सब खुशी देना। सर एक अच्छी खबर है, फ्रंट पेज पे जा सकते हैं। क्या खबर है? सर एक लड़की है सीमा नाम की, उसे मानव तस्करी में आजीवन कारावास की सजा है। अच्छा। सजा में उसे 8 साल पूरे हो चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में सांगाना रुपन फार्म रहती है। अच्छा। सर मैंने उसका फेसबुक पेज चेक किया तो मुझे पता चला वो हाई प्रोफाइल लोगों के घर में जाके मेहंदी लगाने का काम करती है। इसमें खबर क्या है? सर खबर ये है कि क्या सच में वो लड़की मेहंदी लगाने का काम करती है, आज भी अपने क्राइम में इन्वॉल्व है, या मेहंदी की आड़ में अपने टारगेट की तलाश में। वेरी इंटरेस्टिंग, खबर का पता करो। हाँ सर। और कल फ्रंट पेज पे खबर लगा दो। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सीमा जी से बात हो रही है? हाँ जी मैं सीमा बोल रही हूँ। आप काम क्या करती हैं सीमा जी? जी मैं मेहंदी लगाने का काम करती हूँ। क्लासिक मेहंदी डिजाइन जो फेसबुक पे जो आप ही हैं? हाँ जी सर मेरा ही है। मेहंदी तो आप वाकई में बहुत अच्छा लगाती हैं। थैंक यू सर। आप रहती कहाँ हैं सीमा जी? सर मैं जयपुर में ही रहती हूँ। जयपुर में कहाँ? सांगानेर में। सांगानेर में कहाँ? आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं क्राइम रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। आप ओपन जेल में रहते हो ना सीमा जी? जी सर। आपके क्लाइंट्स को पता है इसके बारे में? जो पूछते हैं उनको बता देती हूँ सर। सबको पता है? नहीं सर। आप किस केस में जेल में हो? सर वो मानव तस्करी। आप जो बड़े बड़े लोगों के घर जाके मेहंदी लगाने का काम करते हो, आप वाकई में मेहंदी लगाने का काम करते हो अपने टारगेट की तलाश में? नहीं सर मेहंदी लगाने ही जाती हूँ। किस गैंग के साथ काम करते हैं आप? नहीं सर मेरा कोई गैंग से संबंध नहीं है सर, मैं सुधर गई हूँ। आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं कल आपकी खबर छापने वाला हूँ। नहीं सर प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिए सर, मेरा छोटा बच्चा है सर, मेरा पूरा परिवार है सर, उनका भविष्य चौपट हो जाएगा सर। मैं तो छापूंगा। मुझ पर तरस खाइए सर। आप चाहे तो डीआईजी मैम से बात कर लीजिए सर।
डीआईजी मैम से तो हम बात कर लेंगे, पर खबर तो छापेंगे। आपके बारे में सबको पता तो चलना चाहिए ना। पहले मुझसे गलती हो गई थी, उसी की तो सजा भुगत रही हूँ सर। अब मेरी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाइए सर, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे सर। मैं आपके हाथ पैर जोड़ कर विनती कर रही हूँ सर। ठीक है, आप कल का अखबार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नहीं सर, नहीं नहीं सर, प्लीज सर। ठीक है, सर आप ऐसा मत कीजिए सर। हेलो हेलो हेलो, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगी, आप सबके सारे सपने पूरे करूंगी और मैं मेरा खुद का सपना भी पूरा करूंगी। अपनी मम्मा का नाम रोशन करेगा, करोगे ना काना नाम रोशन? Yeah.
आपराधिक न्याय व्यवस्था में जेल का स्थान अनादिकाल से ही महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान में जेल का उद्देश्य मात्र दंड देने का एक साधन न होकर अपराधियों के आचरण में सुधार एवं समाज में पुनर्स्थापन के साधन के रूप में विकसित हुआ है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि क्राइम इज द आउटकम ऑफ डिजीज माइंड एंड जेल मस्ट हैव एन एनवायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट एंड केयर। राजस्थान जेल प्रशासन का भी ये मूल मंत्र है कि जेल में बंदी की जीवन शैली में सुधार तथा उसका कौशल विकास इस प्रकार का हो कि जब वह अपनी सजा पूर्ण करके समाज में वापस जाए तो वह सुगम रूप से अपने परिवार और समाज में समाहित होकर उसका एक उपयोगी हिस्सा बन सके। हमारी यह लघु फिल्म रोड टू रिफॉर्म बंदियों के आचरण में सुधार तथा समाज में उनके गरिमापूर्ण पुनर्स्थापन का एक अनूठा प्रयास है। यह हमारे प्रयास का अंत नहीं अपितु आरंभ है तथा इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना अभी शेष है। हमारे इन निरंतर प्रयासों को पूर्ण रूप से साकार करने में संपूर्ण समाज का सहयोग अपेक्षित है। जय हिंद। Thank you.